मेरे पास मेरा सर रिलायंस का सिम है जियो का, मैं जियो के नेटवर्क का मेंबर हूँ, जियो के नेटवर्क का खराब हूँ, क्योंकि नहीं आपके पास एयरटेल की सिम है तो आप एयरटेल के नेटवर्क के खराब है। मेरे बच्चे आईपीएस स्कूल में जाते हैं तो मैं आईपीएस स्कूल के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। मेरे एक दोस्त वकील है, मेरे सारे केस उस वकील के पास है तो मैं उस वकील के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। मेरे पापा का इलाज एक हॉस्पिटल में होता है तो मेरे पापा उस हॉस्पिटल के नेटवर्क के ग्राहक है, नेटवर्क के मेंबर है, नेटवर्क के सदस्य है। तो हम सब लोग किसी न किसी के नेटवर्क में है कि नहीं? Yes. और जिसके नेटवर्क में उसको पैसे वाला बना रहे, जिसके नेटवर्क में उसको पैसे वाला बना रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं, आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं? कोई नहीं। कितने लोग नेटवर्क में? 50 लोग। 50 लोग, बहुत बढ़िया। इनको हम 50,000 बनाना चाहते हैं, क्या नौकरी संभव है? 50,000, 50,000 लोगों का नेटवर्क, क्या इतने लोगों का इलाज आप कर पाएंगे? 50,000 लोगों का नीचे दब जाएंगे आप, कोई बात नहीं। अब आप क्या कीजिए, आपकी जो 50 लोगों का नेटवर्क है, मैं मैजिक बताता हूँ आपको, आपने हिम्मत की, आपकी हिम्मत की बात है। हमारे पास एक मैजिक है, मैजिक क्या है? आप जिस मरीज का इलाज करो वही डॉक्टर बन जाए और अपने गांव में जाकर इलाज करे और उसके इलाज करने का पैसा आपको मिल जाए, तो आएगा कि नहीं आएगा? वो आपकी डॉक्टरी में नहीं हो सकता है, वो आरसीएम बिजनेस में हो सकता है। आपने आरसीएम का हेल्थ कार्ड आया और एक बॉम्बे वाले व्यक्ति को आपने बताया कि अरे हेल्थ कार्ड है तो वहां से खरीद ले। इसने बॉम्बे में हेल्थ कार्ड खरीदा, खुद ने पैसा कमाया, आपका बिजनेस बढ़ाया और खाने के साथ साथ उसने क्या किया, सूरत वाले को बता दिया। किसने? बॉम्बे वाले ने। आप जानते भी नहीं हो सूरत वाले, लेकिन सूरत वाला भी चाय पर चाय पीता है, बोलता वाह मजा आ गया, तो मजा सीधा जौनपुर में आपको आ जाएगा। दोस्त मैंने बिजनेस शुरू किया कोटा से जयपुर, दिल्ली, दिल्ली से बिजनेस चला गया गुवाहाटी, गुवाहाटी से त्रिपुरा, त्रिपुरा से नागालैंड, नागालैंड से अरुणाचल प्रदेश। आज अरुणाचल प्रदेश में मेरा बिजनेस है, 12 तारीख को मेरी मीटिंग है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का आदमी चाय पीता है, जहां पे हिंदी भी नहीं जानते, पूरे कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन चाय पीते। त्रिपुरा का आदमी चाय पीता और बोलता वाह मजा आ गया, मजा सीधा कोटा में आता मेरे बेटे को। हम इस बिजनेस को भी मजाक में ले रहे हैं। एक बार नेटवर्क शुरू कीजिए आप और फिर नेटवर्क का आनंद लीजिए। दुनिया में जितने पैसे वाले हैं वो नेटवर्क वाले हैं। अगर किसी के नेटवर्क का हिस्सा बनोगे तो उसे अमीर बनाओगे, और अगर लोगों को आपके नेटवर्क का हिस्सा बनाओगे तो आप पैसे वाले बन जाओगे। क्या नेटवर्क बिछाने के लिए तैयार है? Yes. इस बिजनेस में बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क कैसे बनेगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा थोड़ी आगे कि नेटवर्क बनेगा कैसे। पहला काम नेटवर्क बनाना है, दूसरा काम वॉल्यूम। हमारी कंपनी लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं देती, बनाने का पैसा नहीं देती, वॉल्यूम का पैसा देती है। आपका वॉल्यूम कितना है, आपके नंबर पे खरीदारी कितनी है? इतने बिजी शेड्यूल में होने के बाद 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी मेरी आईडी पे होती ही होती है। मैं पिछले 3 साल से डायमंड क्लब का मेंबर हूं। आप में से कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब पूरा कर रहे हैं? खड़े होंगे एक बार अपने जगह, एक बार जोरदार तालियां हो सकती है। डायमंड क्लब क्यों? क्योंकि रियल में डायमंड बनने के लिए डायमंड क्लब में होना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेट क्लब में शामिल हुए तब जाके वो क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर बने। तो किसी टॉप पे जाने के लिए पहले उसके क्लब का मेंबर होना जरूरी है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में टॉप पे जाने के लिए आरसीएम के डायमंड क्लब का मेंबर होना जरूरी है। और
और उसके लिए आपको खुद की आईडी पे 5000 बिजनेस ओनर की खरीदारी होना जरूरी है, बहुत इजी है। क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे, आप जो करोगे वो ही आपकी टीम करेगी। आप अगर 500 का सामान खरीद रहे हो तो आपकी टीम भी 500 का ही खरीदेगी, आप अगर 100 का खरीद रहे हो तो आपकी टीम भी 100 का खरीदेगी, आप अगर 5000 बीवी का खरीद रहे हो तो आपकी टीम भी 5000 बीवी का